हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस स्टूडियोज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो है 1981 से लेके 1990 तक का ये दशक जो रहा, उस दशक की वन ऑफ द बेहतरीन गेम दिखाऊंगा, जो कि जो है 1982 में अलेव पेस्किस जो कि इसराइल एंड जीएम थे अगेंस्ट इफाम गेलर जो कि रशियन जीएम थे, उन दोनों के बीच में खेली गई थी। मैंने साइड में जो है थोड़ा सा छोटा सा चार्ट लगा के रखा है, जिसमें आप जो है इफाम गेलर का लाइफ टाइम स्कोर देख सकते हो अगेंस्ट उस टाइम के जो है टॉप वर्ल्ड क्लास जीएम थे उनके सामने। काफी अच्छा स्कोर है दोस्तों ये। सो आइए देखते हैं गेम, जहां पे अलेव पेस्किस ने गेम की शुरुआत की d4 से, एंड नाउ d5 c4 e6 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, जहां पे नाइट c3 के बाद बिशप टू e7 चला गया। और ये मूव ऑर्डर जो है पेट्रोजिन काफी प्रिफर करते थे, उसका रीजन ये है दोस्तों, यहाँ पे से आप नाइट f6 जाते हो ना, देन बिशप g5 आ जाएगा और व्हाइट के लिए जो है नाइट f3 कमिट करना अब जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे अब क्या होगा, से बिशप e7 e3 कैसलिंग शॉट, कैप्चर्स ऑन d5 एंड देन बिशप d3, नाइट bd7 एंड नाइट GE2। सो ये कास्पर स्ट्रक्चर का जो प्लान है विथ एन आइडिया ऑफ f3 एंड e4 है, काफी डेंजरस है दोस्तों। और यहाँ पे f3 एंड e4 आने के बाद व्हाइट को जो है काफी बढ़िया इनिशिएटिव जो है इनिशिएटिव मिल जाता है, और उसके बाद व्हाइट की पोजीशन काफी अच्छी भी रहती है। और उस टाइम पे जो है काफी जीएम्स इस पर्टिकुलर सेटअप को जो है अवॉइड करना चाहते थे, तो उसके लिए जो है ज्यादा कोई थियरी रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल छोटा सा चेंज है मूव ऑर्डर का, आपको सेम पोजिशन मिलेगी और व्हाइट को नाइट f3 खेलना पड़ेगा। सो यहाँ पे अब जो है बिशप टू e7। सो अब ट्रिक क्या है इस मूव की, इस मूव में सिंपल चीज है, आप बिशप g5 को अवॉइड कर रहे हो, e3 खेलोगे तो बिशप बंद है और नाइट f3 खेलोगे तो नाइट g2 आप खेल नहीं सकते। सो इसीलिए जो है ये बिशप टू e7 मूव ऑर्डर काफी अच्छा है, अगर आप जो है उस सेटअप को अवॉइड करना चाहते हो। यहाँ पे नाइट टू f3 व्हाइट ने खेला, एंड नाउ नाइट f6, बिशप टू g5, h6, बिशप पे जो है टेम्पो गेन किया, एंड आफ्टर बिशप h4 सिंपली कैसल शॉट, e3 एंड नाउ b6। तो ये है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का जो है तारता को डिफेंस, अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं तो। और अब जो है व्हाइट अपना बिशप देता है नाइट के सामने, और उसके पीछे लॉजिक एक सिंपल है कि जब भी बिशप b7 पे आएगा दोस्तों, तो वहां पे काफी एक्टिव रह सकता है अगर वो डायगनल ओपन रहता है तो। बट जब आप बिशप कैप्चर्स ऑन f6 खेलते हो, आप जो है d5 का एक डिफेंडर जो है उसको रिमूव करते हो, और बिशप जो है f6 पे आएगा, दैट मीन दूसरी नाइट को भी जो है वो f6 पे आने में टाइम लगेगा। और अब जो है d5 पे हम कैप्चर करते हैं, तो ब्लैक को डेफिनेटली जो है वो पॉन से कैप्चर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इवन अगर आपका नाइट f6 पे है तो e4 पे आएगा, बिशप जो है b7 पे, वो सेटअप भी थोड़ा अच्छा है बट उसमें भी जो है टाइम लग सकता है। सो इसलिए व्हाइट जो है b6 के बाद यहाँ पे बिशप कैप्चर्स ऑन f6 करता है और नाइट के सामने बिशप दे देता है, ताकि ब्लैक का बिशप जो है इस लॉन्ग डायगोनल पे इतना अच्छा ना रह पाए। एंड आफ्टर पॉन कैप्चर्स ऑन d5 क्वीन d2 एंड नाउ बिशप e6। तो देखिए इफाम गेलर को भी पता है कि यहाँ पे डेफिनेटली अब बिशप जो है वो b7 पे इतना अच्छा नहीं है, सो उन्होंने खेला बिशप टू e6। दैट मीन्स यहाँ पे उनका सिंपल सा प्लान है कि इस पोन को जो है उन्होंने बिशप से सपोर्ट किया है, तो c5 आगे चल के आने वाला है, और ब्लैक जो है हैंगिंग पीसिस हैंगिंग पोन के साथ खेलना चाहता है। अगर वो हैंगिंग पोन्स जो है आगे मूव होने में कामयाब होते हैं दोस्तों, देन जो है यहाँ पे ब्लैक को जो है काफी अच्छा इनिशिएटिव मिल सकता है। और उसके पास बिशप पेयर तो जो है वो पहले से ही, यहाँ पे रुक टू d1 खेला गया, एंड नाउ क्वीन e7, क्वीन को जो है वो किंग की लाइन में रखा है, और इस पोजीशन में बिशप टू d3 एंड शॉर्ट का ऐसा जो है अच्छी मूव थी, अच्छा प्लान था, बट गेम में जो है व्हाइट ने चूज किया g3 एंड नाउ c5, डी कैप्चर्स ऑन c5 एंड रुक टू d8। सो ब्लैक जो है व्हाइट को प्रोव कर रहा है कि भैया अगर तुम्हें पोन चाहिए तो यहाँ पे कैप्चर कर दो, एक पोन मिल जाएगा। सो उनका प्लान क्या है दोस्तों, कि d4 खेल के जो है कुछ लाइंस ओपन करनी है किंग के सामने। इस पोजीशन में जो है व्हाइट ने वो चैलेंज एक्सेप्ट की, व्हाइट ने खेला सी कैप्चर्स ऑन b6, जबकि उधर जो है बिशप g2 खेला जा सकता था, जिस केस में पॉन टेक्स ऑन c5 के बाद से कैसल एंड नाइट टू c6। और डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जो है बिशप पे सेंट्रल पे जो है काफी अच्छा कंट्रोल, तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक की पोजीशन जो है अच्छी है, बट ये नहीं कह सकते कि ब्लैक जो है वो डेफिनेटली विन हो रहा है। गेम अभी भी जो है किसी भी ओर जा सकती है। हमारी गेम में क्या हुआ, रुक d8 के बाद व्हाइट ने चैलेंज एक्सेप्ट की विद सी कैप्चर्स ऑन b6 एंड नाउ d4, और भाई दोस्तों बिशप टू g2। सो व्हाइट कह रहा है कि भैया अगर आप चाहते हो तो पीस मारो, बट वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि से अगर आप पीस कैप्चर करते हो देन क्वीन टेक्स ऑन d8, क्वीन कैप्चर्स, रुक कैप्चर्स, बिशप कैप्चर्स एंड देन b7, एंड व्हाइट जो है यहाँ पे विन हो रहा है। अफकोर्स आप जो है सी कैप्चर्स b2 खेल सकते हो, और यहाँ पे आपकी भी थ्रेट है क्वीन बनाने की विद चेक, बट सिंपल कैसल। और अगर आप बिशप d5 अब खेल के जो है
वहां पे कहते हो कि भैया चलो कोई बात नहीं है, मैं जो है पीस वापस दे दूंगा, डेफिनेटली हम जो है हुक को कैप्चर करेंगे एंड आफ्टर बिशप कैप्चर सोन ए8, और ये काफी जो है सिंपल है कि ये पहुंच जाने वाला है। इवन आप बिशप f6 खेलो, मैं जो है नाइट d4 कर सकता और उसके बाद जो है पहुंच जाएगा। सो रुक वर्सेज जो है माइनर पीस, तो डेफिनेटली व्हाइट कंप्लीटली भी नहीं है यहाँ पे। सो बिशप टू g2 के बाद ओके उस पीस को जो है मारने का कोई प्लान ही नहीं है। यहाँ पे खेला गया नाइट टू c6, और अब दोस्तों मैं यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ क्योंकि क्वीन कैप्चर्स d8 में नाइट कैप्चर्स या तो रुक कैप्चर्स d8 पॉसिबल है। सो इसीलिए कैसल जो है पॉसिबल नहीं है। सो नाइट टेक्स ऑन d4 एंड आप नाइट कैप्चर्स ऑन d4, इस पोजिशन में आप जो है एक्सचेंज भी ऑफर कर रहे हो, और यहाँ पे से आप जो है अब बिशप कैप्चर्स ऑन a8 खेलते भी हो, देन सिंपली जो है रुक कैप्चर्स ऑन a8, सॉरी रुक कैप्चर्स ऑन a8। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जो है नाइट टू f3 खेलना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि नाइट f3 बैड मूव है। सिंपली बिशप कैप्चर्स, आप लग रहा है कि क्वीन मिल रही है, बट क्वीन के सामने जो है दो रुक है, सो व्हाइट की पोजीशन यहाँ पे जो है काफी अच्छी है। बट बिशप टेक्स ऑन a8 के बाद सिंपल रुक कैप्चर्स ऑन a8, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि कैसल में जो है नाइट चेक में क्वीन जा रही है, और यहाँ पे आप कैप्चर करोगे तो कैसे करोगे, से आप जो है पॉन कैप्चर्स ऑन d4 खेलते हो, देन बिशप टू d5, ये क्वीन का चेक है, और उसके बाद जो है मैं भी h1 के रुक को कैप्चर कर सकता हूँ। एंड ब्लैक की पोजीशन जो है काफी अच्छी है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये रुक जो है वो फ्री में जाने वाला है, राइट। सो ओके नाइट कैप्चर्स ऑन d4 के बाद खेला गया ई टेक्स ऑन d4। व्हाइट ने भी जो है रुक को कैप्चर करना सही नहीं समझा, और अब है दोस्तों बिशप टू h3 चेक, किंग f1, रुक टेक्स ऑन d4, और बोला कि भैया अपनी क्वीन बचाओ। सो क्वीन e3, क्वीन एक्सचेंजेस जो है ऑफर कर रहे हैं, डेफिनेटली अच्छी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, क्योंकि आपका किंग जो है वीक है इस केस में, अगर आप जो है पीसेज एक्सचेंज करते हो जितने, उतना ही सामने वाले का अटैक जो है वीक होता जाएगा। यहाँ पे जो है क्वीन टू अब b7 ब्लैक ने करा, सो बिशप पिन है, और अगर आप कैप्चर करते हो तो आपका रुक जो है विद चेक जा रहा है, और इस पोजीशन में जो है बेस्ट मूव थी रुक टू g1, जहाँ पे रुक टेक्स ऑन d1, नाइट टेक्स ऑन d1 एंड देन बिशप कैप्चर्स ऑन g2, रुक कैप्चर्स ऑन g2 एंड रुक टू d8, नाइट को बचाओ, नाइट बचाने के बाद जो है यहाँ पे पोन को कैप्चर कर सकता है ब्लैक। सो बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक को इनिशिएटिव है, क्योंकि व्हाइट के पीसेस जो है इतने अच्छे प्लेस नहीं है, बट डेफिनेटली व्हाइट जो है इतनी जल्दी लॉस नहीं होगा। बट गेम में जो खेला गया ना मूव f3, ये जो है काफी बड़ी मिस्टेक है। सो यहाँ पे अब आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए किस तरह से जो है ब्लैक यहाँ से विन हो सकता है। रेडी दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक ने सिंपली खेल दिया पहले रुक टेक्स ऑन d1, नाइट कैप्चर्स ऑन d1, और अब जो है क्वीन टू a6 चेक, उससे यहाँ पे आप जो है क्वीन e2 खेल के चेक को सेव करते हो, देन बिशप कैप्चर g2 चेक आएगा, किंग f2 या e1 खेलना फोर्स होगा, से किंग f2 में जो है बिशप d4 चेक एडिशनल चेक दे सकते हैं, एंड आफ्टर किंग टू e1 इट्स सिंपली क्वीन कैप्चर्स एंड e2 किंग कैप्चर, उसके बाद एक चेक, और देन आराम से जो है रुक को कैप्चर करेंगे, या फिर क्वीन ई टू चेक के बाद बिशप कैप्चर g2 डायरेक्टली, अगर आप क्वीन ई वन पे जाते हो देन मैं जो है क्वीन को कैप्चर करूंगा विथ चेक, एंड देन जो है सिंपली रुक को कैप्चर कर दूंगा। सो वहां पे भी जो है ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पीस रह जाएगा पूरा जो है, I mean, एक एक्स्ट्रा पीस नहीं, दो एक्स्ट्रा पीस रहेंगे। सो वो पोजिशन जो है वो टोटली विनिंग है ब्लैक के लिए, राइट। सो ओके क्वीन टू a6 चेक के बाद किंग g1 एंड नाउ जो है रुक टू d8 एंड नाइट पे अटैक है, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे थ्रेट है बिशप टू d4 की। सो नाइट f2 जो है वो खेलना फोर्स है, से आप उसी केस में जो है क्वीन e1 खेलते हो, देन बिशप टू d4 चेक आएगा, और अब जो है यहाँ पे नाइट f2 खेलना फोर्स है। सो ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, सेम चीज जो है वो गेम में हुई है, और हम जो है वहां पे ये पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे। सो रुक d8 के बाद खेला गया नाइट f2 और अब बिशप टू d4, और देखिए क्वीन e1 सेम पोजीशन आ गई ना। सो यहाँ पे अब बिशप कैप्चर्स ऑन f2, और इस पोजीशन में दोस्तों व्हाइट ने कहा कि भैया आप जो है हम नहीं खेलना चाहेंगे यहाँ पे, हम रिजाइन करते हैं। उसका रीजन ये है, जैसे आप जो है क्वीन से कैप्चर करते हो देन वहां पे जो है रुक टू d1 चेक अ सिंपल विन है, क्योंकि बिशप टू f1 के बाद सिंपली उधर कैप्चर करो क्वीन से या फिर जो है आप रुक से, एंड देन जो है मेट, राइट। और उसी तरह से जो है बिशप कैप्चर f2 के बाद से आप जो है किंग से कैप्चर करते हो, देन क्वीन टेक्स ऑन b6 चेक, किंग टू f1, और अब जो है बिशप टू c8 काफी पावरफुल मूव है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे आपको जो है क्वीन दे देनी पड़ेगी, इसे आप बिशप टू जो आई मीन सॉरी किंग टू e2 खेलते हो, देन बिशप a6 चेकमेट हो रही है,
और से आप बिशप टू h3 खेल के बिशप दे के कुछ जगह बनाना चाहते हो, राइट? क्योंकि आप जब यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे तब किंग e2 खेला जा सकता है, बट उस केस में क्या होगा दोस्तों, सिंपली जो है चेक और मिनिमम क्वीन तो जा रही है, तो वहां पे ब्लैक जो है कम्प्लीटली विनिंग है। सो इसीलिए दोस्तों क्वीन e1 के बाद जो है जैसे ही फॉर्म गेलर ने यहाँ पर बिशप कैप्चर से f2 खेला, इस पोजिशन में इसराइल GM लेव पेस्किस ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको इफाम गेलर की ये गेम और आज का ये वीडियो? आई होप ये गेम और वीडियो दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।